हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आप देख रहे हो इसके अंदर तीन तीन सबवूफर लगे हुए हैं, एक दूसरी कोन का है, दो दूसरी कोन का। फिलहाल ये प्रैक्टिकल के लिए है क्योंकि एक बूफर मेरे पास अभी ये नहीं था। तो इसके पीछे गाड़ी खड़ी हुई है तो उसके अंदर हम ये लगाने वाले हैं। तो ये तीनों ईच 10-10 इंची के हैं। तो ये वाली पेटी मैंने मेन ब्रीजा के लिए लगाया है या जिसकी गाड़ी के अंदर CNG है। प्लस CNG होने की वजह से हमें वो वूफर की क्वालिटी नहीं मिल पाती क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एरिया हमारे इसका कम हो जाता है। तो वूफर जो खिल के आना चाहिए, जो भूमि बेस आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती है। तो इस वजह से मैंने ये वाली पेटी को डिज़ाइन किया है। ये आप कहीं पे भी रख सकते हो, ऐसे फ्लैट भी लगा सकते हो, इसको आप खड़ा भी कर सकते हो, प्लस इसको आप उल्टा भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे 4 गुटके लगा दूंगा तो एक ये वूफर नीचे की तरफ हो जाएंगे, तो उसके ऊपर आप लगेज भी रख सकते हो। तो जिसको स्पेस की भी दिक्कत नहीं है कि भाई मेरे को स्पेस भी ना गिरे और मेरे को लगेज रखने की चीज़ भी मिल जाए, तो ये उसके लिए भी पेटी है। इसके गाड़ी के अंदर ये 3 वूफर लगने वाले हैं क्योंकि भाई को और ज़्यादा भूमि बेस चाहिए, क्योंकि दो क्योंकि CNG लगी हुई है इसके अंदर तो दिक्कत आ जाती है। और प्लस ये थोड़ी बंद होने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि बार बार यहाँ पे निशान आ रहे हैं। तो भाई की ये टैक्सी है तो आप नंबर देख सकते हो। तो इसके अंदर देखते हैं कि कैसा बेस आने वाला है। पहले हम इसका बेस सुन लेते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, फिर उसके बाद में आपको आइडिया हो जाएगा कि 2 वूफर और 3 वूफर के अंदर क्या क्या परफॉर्मेंस आती है। तो कुछ स्टफ चलाते हैं बढ़िया सा। प्रैक्टिकल देख लिया कैसा था सरदार जी? बढ़िया था ना। चलो अब 3 वूफर लगा के देखते हैं। भाई थोड़ा सा मैंने पेटी को श्रिंक करा है तो देखते हैं उस हिसाब से बनाया है क्योंकि पेटी लगती है, अगर मैं 3 वूफर इस साइज में पेटी बनाऊं तो मतलब ही नहीं आने वाली है। चलो फिर चलते हैं, 3 पेटी सरदार जी रेडी कर दो। चलो भाई हमने लगा दी है जाली, अब बारी है प्रैक्टिकल की। जो पहले वाली पेटी लगी हुई थी उसका क्यूबिक फीट अच्छा था, ये 3 लगी हैं तो छोटा हो गया, थोड़ा लाउड बेस आएगा। देखते हैं, आपने वो देख लिया, अब इसका देखते हैं कि कितना। और अभी फ़िलहाल ब्रेक इन होंगे वूफर, अभी बहुत स्टिफ है देख रहे हो। तो 3 वूफर हमने चेंज कर दिए हैं तो अब लगाते हैं। चल भाई सरदार जी लगा दो इसको और प्रैक्टिकल सुनते हैं कैसा आता है। और जाली भी लगा दी है ताकि ये इधर उधर हिले ना, मतलब कि जैसे ये आते हैं ना ये चीज़ें, तो यहाँ पे ये पूरी एकदम फिक्स हो गई है। अरे वाह भाई वाह, फूट गया, फूट गया, रह गया, फूटना चाहिए था। और स्पीकर लगा दिया हमने ताकि अनप्लग प्लग करो और ये स्विच कपलर टू कपलर वाली फिटिंग कर दी है। चलो जी चालू करो भाई साहब।
सो हो गया पूरा कंप्लीट। तीन भैया को थोड़ा स्पेस भी चाहिए था क्योंकि वो अटक रही थी जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, और निकालने डालने में दिक्कत ही है, आराम से निकल सकती है, आराम से डल सकती है। बोल भाई बोल। हाँ भाई कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया यार, बढ़िया 10 इंच के हिसाब से, और बहुत बढ़िया आउटपुट दे रहा भाई ने, जैसा ये दिखाई दिया अपने वीडियो के अंदर, कैसे पूरी गाड़ी हिल रही थी, गाड़ी के हिसाब से बहुत अच्छा इनफ है, क्वालिटी बेस आ रहा था मस्त वाला। तो अभी तो जबकि ब्रेकिंग भी नहीं हुई भाई। हाँ ब्रेकिंग नहीं हुई अभी, बहुत बढ़िया वजह है। तो तीन के हिसाब से अब तीन का भी हमारे पास ऑप्शन आ गया, तो जिसको थोड़ा और बेस चाहिए तो वो तीन लगा सकता है। फिलहाल ब्रीजा के अंदर रह गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में ब्रीजा के अंदर तीन लगाऊंगा, तो उसके अंदर आउटपुट देखेंगे कैसा आ रहा है। आई होप, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ही आएगा है ना, क्योंकि डिग्गी बंद हो गई है, सीएनजी है तो थोड़ा सा रहता है। ब्रीजा छोड़ो भाई, कोई भी चीज़ बंद हो, स्पेस की दिक्कत हो भाई ये लगवा लो सबसे बढ़िया, ना तो हमारी तरह परेशान हो गए। हाँ ये तो है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सेफ ड्राइव। और आपको कहाँ आना है? रेड आर ऑडियो पर।